मुख्यमंत्री मोहन यादव बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू की अंतिम यात्रा में शामिल होने इंदौर पहुंचे, जहां मालू के परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए सीएम मोहन यादव भावुक हो गए। देखिए खबर। बीजेपी नेता गोविंद मालू के अंतिम सफर में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। मालू के परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए भावुक हुए मोहन। परिजनों से बोले, परसों ही मिले थे, ऐसा होगा सोचा नहीं था। गोविंद मालू की अंतिम यात्रा में प्रदेश के कई बड़े नेता, विधायक और मंत्री हुए शामिल। इंदौर के दिग्गज नेता, खनिज विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू पंचतत्व में विलीन हो गए। मालू के अंतिम सफर में सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव सहित शहर और प्रदेश के कई बड़े नेता शामिल होने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मालू के पार्थिव शरीर को प्रणाम किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं गोविंद मालू के बेटों को ढाढ़स देते हुए सीएम मोहन यादव भी भावुक हो गए। मेरा भांजा था, बागली रहता हूँ, बागली में आने वाला था, आज बागली में आपके लिए आने वाला था। कमी पार्टी का बुधवार को बैठे, मैं परसों सात की सभा में देर तक बात की। मैंने कहा आप मेरे से सभी बात करना ये दोनों बेटे हैं, मिले मिले पार्टी के सिवा कभी मन नहीं था, कभी कोई बताया नहीं, कभी कोई कोई काम ऐसा नहीं करा कि ये मिला। सुबह रात कुछ नहीं देखी, तपासी में काम मिला भोपाल से। गोविंद मालू की अंतिम यात्रा ग्रेटर ब्रजेश्वरी पिपलियाहाना से रीजनल पार्क मुक्ति धाम पहुंची थी, जिसमें इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक गोलू शुक्ला, बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, इंदौर नगर अध्यक्ष गौरव रणतीवे सहित बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। गोविंद मालू पूरी दमदारी के साथ मीडिया के सामने पार्टी का पक्ष रखने के लिए जाने जाते थे। वे पार्टी के निष्ठावान सिपाही के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।